सेशन जो करने जा रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है कि जो अभी तुमने जैसे उस दिन बताया मेरा, ठीक है, कि आपका जो रिमेनिंग नोट का फिगर आ रहा था, ठीक है, और जो अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कितना नोट होना चाहिए, और आपको नोट्स, आपको जो रिपोर्ट्स आया या जो सेटलमेंट आया है ना वो कम आया, तो क्यों आया उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो मुर्तज, एक्चुअली होता क्या है, कल मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी आपने अपना 16th और 17th जुलाई का अपना हिसाब देखा, वो मैच किया कि नहीं किया? पूरा मैच किया, ठीक है। अब हम लोग, अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि जब भी ईओडी होता है ना, तो ईओडी के बाद में अक्सर आपको उस वक्त थोड़ा ध्यान देना होता है कि कैसे आप अपने हिसाब को वो करें, ठीक है ना, क्योंकि ईओडी के पहले तक सारा क्यूमुलेटिव फिगर अपना आते जाता है, जो भी हमारा सीआरएम मशीन है, जो सीआरएम मशीन में आपको मैंने नाम बताओ चमचुल क्या, शरदुल, सगीरुल, हाँ सगीरुल को मैंने बताया हुआ है दो स्लिप निकालने के लिए, ठीक है, एक वो मेरे को दो बार तीन बार स्लिप भेजता है, इस कारण आपका अगर कोई मिसमैच आया भी तो उसको फाइंड आउट करना बड़ा आसान है मेरे लिए, क्योंकि आपके सारे स्लिप जो है ना, वो जो हमारा दो स्लिप निकलता है जिसमें एक डीईपी लिखा रहता है, सीडब्ल्यूडी है ना, कैश विड्रॉवल और डिपोजिट, वो दोनों का फिगर आता है, और वो हम लोग उसको मतलब दो बार तीन बार वो मेरे को स्लिप भेजता है, ठीक है, तो इस कारण मेरे पास सारे स्लिप आपके हैं, ठीक है, तो मैं इसी के कारण आपका जो भी प्रॉब्लम आया मैं उसको फाइंड आउट करने में ये हो पाया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको अभी इसमें लेता हूँ, एडिडेस में लेता हूँ, ठीक है, एनिडेक्स में लेके हम लोग अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, एनिडेक्स में लेते हैं हम, ठीक है, ये एनिडेक्स में आ जाओ आप, अपना बताओ, एनिडेक्स का नंबर बताओ मेरे को, 531 ये अपना वाला ही लेके आए हो क्या? यहाँ पे नेट ठीक है ना? कल उसमें आपका कर रहा था, मेरे को पता ही नहीं चल पा रहा था, टाइम लग रहा था कि पूछो मत। नहीं, वो मैं आपको पहले, मैं अभी कर रहा हूँ ना, मैं रुक जाओ ना, हम लोग बारी बारी करके चलते हैं ना पहले, कि आपको समझना आसान होगा मेरे लिए, है ना। ये एक नया फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, जिसमें मैं आपका सारा का सारा जो जो हमको जो फाइंड आउट करना है वो जो आपको बताना है मेरे को, है ना, जहां आपकी प्रॉब्लम्स जो आप समझ सके आसानी से, ठीक है, कहां जो आपको दिक्कत आ रही थी, ठीक है, उस चीज को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो अपने पास केवल जो मैंने बताया ना आपको, कि जब भी आप सीआरएम मशीन में आपको मतलब एक तो वो वाला ये निकालना है, आपको अपना शटर खोलना है, शटर खोलने के बाद आउट ऑफ सर्विस में जाना है, आउट ऑफ सर्विस में जाने के बाद आपको रिकॉन्सिलेशन में जाना है, रिकॉन्सिलेशन में जाने के बाद आपको व्यू काउंटर में जाना है, व्यू काउंटर में जाने के बाद आपको सबसे पहला जो व्यू काउंटर का आएगा जिसमें कि डीईपी और सीडब्ल्यूडी लिखा रहता है, ठीक है, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल, है ना। अच्छा वो जो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल जो होता है वो क्यूमुलेटिव फिगर जाता है, ठीक है, क्या शबीरुल समझ रहे हो ना, तो वो अगर स्लिप आपने मतलब जैसे आप तो चलो आपके यहां तो अभी क्या हो रहा है कि कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जनरली क्या करना होता है, हम लोग जब भी अगर आप अपना डिपॉजिट कार्ड से दिन में सवेरे एक बार जब कैश आउट कर रहे हैं तो उस वक्त उसको उस स्लिप को निकालना चाहिए, दोनों स्लिप को, एक डीईपी वाला, डीईपी और सीडब्ल्यूडी, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल वाला,
उसमें मेंशन किया रहता है, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके सबसे अंतिम में चले जाएंगे जिसमें रिमेनिंग नोट्स है ना जो आपका देता है। अच्छा, रिमेनिंग नोट निकालने में फायदा क्या होता है कि आप जैसे सपोज आपने आपने 5 लाख रुपए डाले है ना, 500 के मान लो 300 नोट डाले, 100 के 200 के मान लो आपने 400 नोट डाले, अब उसमें से कितना कैसेट, कितना नॉर्मल कैसेट में गया पैसा और कितना प्रोजेक्टेड कैसेट में गया, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि जो पैसा आपने डाला है वो सारा का सारा पैसा चला गया कि कहीं मशीन में फंसा तो नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मशीन आपका डिस्पेंस नहीं कर रहा है, तो डिस्पेंस नहीं कर रहा है तो आपको ये रिमेनिंग नोट देख के समझ में आ सकता है कि मैंने डाला इसमें 100 नोट और अगर 99 नोट है तो इसका मतलब कि एक नोट कहीं फंसा हुआ है, समझ में आया। अगर मान लो अगर आप रिमेनिंग नोट का फिगर जब कैश नोट करने के बाद रिमेनिंग नोट निकाल रहे हो और आपको आपने गिनती करके डाला है मैंने 300 नोट डाला है, और अगर आपका रिमेनिंग नोट में चाहे वो रिजेक्टेड कैसेट और नॉर्मल कैसेट दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है, अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई नोट फंस गया है, इसी के कारण आपका विड्रॉवल नहीं होगा, डिस्पेंस नहीं करेगा कैश, ठीक है, समझ रहे हो। कहीं कोई दिक्कत आएगा तो बोलते जाना आप लोग, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में तो इसी के कारण एक तो वो निकालोगे निकाल लोगे जो आपका डीईपी कैश डीईपी डिपॉजिट हो गया और सीडब्ल्यूडी मतलब कैश विड्रॉवल हो गया, ठीक है, और एक रिमेनिंग नोट्स वाला निकालोगे। तो ये एक कैश लोड करने के बाद और एक जब दुकान बढ़ाते हो तब है ना, मतलब आपका ट्रांजेक्शन उसके बाद जब नहीं होगा, लास्ट ट्रांजेक्शन जब होगा दिन का, तो उसके बाद आप फिर से यही दोनों नोट निकाल लोगे, दो स्लिप निकाल लोगे। ये स्लिप हमेशा अपने पास रहना चाहिए, मतलब 4 स्लिप आपके पास अगर है तो कोई भी हिसाब हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, एक मिनट रुक जाओ जरा। ठीक है, अब ये आप चाहोगे तो ये लेजर मैंने भले ही एक्सेल में बनाया है, आप लोग इसको चाहोगे तो अपने कॉपी में भी लिख सकते हो, रजिस्टर में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ये वाला, नहीं ये वाला, ठीक है। ये आप वो वाला छोड़ दो, मैं एक्सेल फाइल के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कई लोग क्या करते हैं एक्सेल फाइल मेंटेन करने के चक्कर में हिसाब ही नहीं मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्सेल फाइल में मेंटेन करो, जैसा मैंने यहां पे लिखा हुआ है टोटल कैश रिमेनिंग इन द एटीएम, ठीक है, आप अपने स्लिप को देख के आप इसमें एंट्री कर सकते हो। एक्सेल फाइल में फायदा क्या है कि फॉर्मूला डाल देने के बाद वो आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। तो ये इसमें फायदा ये होता है एक्सेल फाइल में। अगर आप एक्सेल फाइल में नहीं भी मेंटेन कर रहे हो तो रजिस्टर में मेंटेन करना है, मतलब जब भी आप एटीएम चला रहे हो आपका दिन खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि आप ये हिसाब मेंटेन नहीं कर लो, कहीं रजिस्टर में मेंटेन कर लो या एक्सेल फाइल में मेंटेन कर लो, लेकिन ऑन डेली बेसिस ही मेंटेन होना जरूरी है, समझे सगरुल मुर्दाज, आपको डेली बेसिस में रजिस्टर में ये मेंटेन करना है आपको। अगर नहीं मेंटेन करोगे डेली का कैश, अपना एटीएम का कैश और अपना ये जो कंपनी का हिसाब हो रहा है वो दोनों का मैच करते चलोगे ऑन डेली बेसिस, अगर नहीं मैच करोगे तो फिर कल के रेट में जाके बोलोगे कि सर मेरे पैसे कम आए, तो हम उसका आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना, क्योंकि फिर क्या करना पड़ेगा 10-15 दिन का हिसाब एक साथ देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस में उसको मेंटेन कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लो आपका ये वाला आ गया है ना, अब हम लोग ये इसको ये कर ले। हमारा हम लोग चलते हैं सबसे पहले 28 तारीख को, ठीक है। क्या बोल रहे हो, क्या व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दिया नहीं नहीं आप वो छोड़ो ना, हम दिखा रहे हैं ना, हम आपको दिखा रहे हैं ना, अभी आप अभी अपना हिसाब सब बाहर रखो तो आप, ठीक है, अभी आपको अपना हिसाब सब लोग भूल जाओ आप लोग, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ उसको अभी देखो आप लोग, ठीक है, अभी आप अपना कोई हिसाब के चक्कर मत पड़ो। ठीक है, देखो ये सीडब्ल्यू डी मतलब कैश विड्रॉवल, डीईपी मतलब डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा,
जब भी आपको, मतलब मैंने कल समझाया था मुर्तज को समझाया था कि अगर आपको आपके एटीएम में कितने पैसे जमा हुए हैं, ठीक है, आपके एटीएम में कितने पैसे जमा हुए हैं, है ना, एक पर्टिकुलर डेट में, मान लो सपोज आज अगर 19th है ना, या कल के डेट का आपको पता करना है कि आपके एटीएम में कितने पैसे जमा हुए थे, चाहे वो आपने हिटैची का डिपॉजिट कार्ड यूज करके डाला हो, ठीक है, या किसी कस्टमर ने अपना एटीएम कार्ड यूज करके डाला हो, ठीक है, अगर वो डिपॉजिट आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे मुर्तज? मैंने क्या बताया था बताओ मेरे को, आप बताओ ना, आपको मैंने बताया ना, सगरूल को तो उस वक्त बताया नहीं था ना, आपको बताओ, आप बताओ ना, नहीं आप बताओ, बोलो ना क्या मैंने क्या बोला था, आप कैसे पता करोगे? सपोज मेरे को 18th का पता करना है कि मेरे एटीएम में कितना डिपॉजिट हुआ, तो कैसे पता करोगे? या आप ये सोचो, आप ये करो, ठीक है, मान लो मेरे को 29th का मेरे एटीएम में कितने पैसे जमा हुए हैं मुझे पता करना है, ठीक है, मुझे 29th मई, ठीक है, आपका हिसाब 29th मई का गड़बड़ है, ठीक है, तो मुझे मान लो अगर 29th मई का पता करना है कि मेरे एटीएम में कितना कैश जमा हुआ है, तो कैसे पता करोगे ये बताओ मेरे को? नहीं, हाँ तो फिर थोड़ा सा गलती कर दिए, अगर 29th का निकालना है तो 29th वाले में से हम 28th वाले के नंबर ऑफ नोट्स को माइनस करेंगे, जैसे ये देख लो ये कौन से डेट का है, ये 29th के डेट का है, ये वाला जो हमारा डीईपी और कैश विड्रॉवल वाला कौन से डेट का है, ये देखो कौन से डेट का है, ये हमारा ये मैंने यहाँ पे नीचे में लिखा है ना, 29th का, ये 29th मई का है, ठीक है, अच्छा तो अब हमको पहले क्या करना होगा, 29th वाला ये हम लोग यहाँ पे 29th में क्या देख रहे हो आप, 29th में देख रहे हो आपका 2000 कितना जमा हुआ है, 00, 500 कितना है, 200 कितना है, 100 कितना है, 00, ठीक है, अब इसकी एंट्री आप इसमें कर लेंगे, ठीक है, इसकी एंट्री आप इसमें कर लेंगे, ठीक है, 2000 कितना था, 00 था, ठीक है, ये हम लोग यहां पे डाल देंगे डीपी करंट डेट की जगह हम लोग लिख देंगे, यहां पे डेट डाल देंगे 29th मई डाल देंगे, ठीक है, जिस डेट का भी, तो 29th मई, ठीक है, अच्छा यहां पे भी ये हम लोग निकाल रहे हैं कि किस तारीख के डेट का पैसा निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं ऑन 29th मई 2020, ठीक है, अच्छा तो और 500 का नोट कितना था, 679 कितना था, 679 था, 200 कितना था, 59, ठीक है, जीरो, ठीक है, ये हो गया मेरा 29th मई का, ये मैंने किससे, ये मैंने कहां से देखा, ये मैंने देखा आपको इससे, आपका डीईपी और जो हम लोग डेली निकालते हैं अपना, मैंने जैसे बताया आपको, वो हमको 29th का जो हम लोग का डीईपी का है, अगर हम लोगों को हमारे एटीएम में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ है, तो हम लोग 29th के डिपॉजिट नंबर ऑफ नोट्स को हम 28th के नंबर ऑफ नोट से माइनस करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि मेरा 500 का नोट कितना जमा हुआ, 2000 का नोट कितना जमा हुआ, 200 का कितना नोट जमा हुआ, ठीक है, ये नंबर ऑफ नोट्स है और यहां पे ये वैल्यू वाइज है, ये उसका वैल्यू भी लिखा रहता है, ठीक है, तो ये दोनों चीज है, तो हम फिर यहां पे मैंने नोट किया, अच्छा फिर अब हमको करना है 28 तारीख का, किसका करना है, 28th का, ये 29th का है ना, तो अब इसको 29th में जाओ, ये अब आ गया मेरा 29th का, यहां पे ये मेरा क्या है, ये 28th का है, ठीक है, ये 28th मई का है, ठीक है, तो अब इसमें कितना दिखा रहा है, 500 कितना दिखा रहा है, अच्छा 200 कितना दिखा रहा है, 57, ठीक है,
अच्छा उसमें कितना दिखा रहा था 200, फिर से मैं एक बार जरा चेक कर लूं। 679 नहीं 679 था और इलियास जी थोड़ा सा अभी एक मीटिंग में है, थोड़ा देर में बात करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है 59 था। ठीक है अच्छा अब ये यहाँ पे 28 में कितना है? ट्वेंटी एट में 321 और 57 है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये यहाँ पे जीरो है, ये आपका कितना है 321, ये कितना है 57। ठीक है अच्छा ये फॉर्मूला डाला हुआ था। ठीक है ना, एक मिनट लाइन पे रहिएगा जरा। हाँ बोलिए ना इलियास भाई। हेलो। हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अरे मैं ये कह रहा हूँ सबसे मैं कॉन्टेक्ट में करने को कोशिश कर रहा हूँ सभी लोगों को। अच्छा मैं एक बार इलियास भाई अभी थोड़ा सा मैं एक ये कर रहा हूँ, जरा एक सेशन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर बात करता हूँ आपसे, तुरंत ही आपका काम करवाता हूँ। ठीक है ना, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है समझ गए। तो ये जो आपका अच्छा ये यहाँ पे अच्छा मैंने क्या बोला था कि आप 29th को जो नंबर ऑफ नोट्स है 2000 का उसको 28th के नंबर ऑफ नोट्स से माइनस करेंगे तो आपके पास जो 29th के में अमाउंट में जो डिपॉजिट हुआ वो पता चल जाएगा। ठीक है अच्छा ये जो पैसे जमा हुए हैं वो दोनों बताएगा, चाहे वो आपने हिताची का डिपॉजिट कार्ड यूज करके किया हो चाहे किसी कस्टमर ने डिपॉजिट किया हो। समझ में आ गया सगरुल? ये दोनों अमाउंट पता चलेगा। अच्छा अब यहाँ पे आपको क्या पता चला कि आपका टोटल अमाउंट कितना था 179,400 क्या था 179,400। अच्छा इसको एक बार जरा ये चेक करो जरा, आपने मान लो जो रिपोर्ट आया आपके पास है ना 29 का रिपोर्ट हम लोग देखते हैं तो उसमें पता क्या दिखा रहा है हमको, ये देखो 29th मई का है। ठीक है तो अब कंपनी का रिपोर्ट आता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, पता चल जाएगा कि भाई हमारा सही है कि नहीं है, है ना। अब देखो कितना दिखा रहा है कस्टमर डिपॉजिट क्या दिखा रहा है 179,400। इसका मतलब आपको 29th का आपने कोई पैसा नहीं डाला, सारा पैसा कंपनी ने कस्टमर ने ही जमा किया। ठीक है अच्छा इसका ये पूरा का पूरा रिपोर्ट में आपको दिखाता है कि किस कस्टमर का कितने कितने पैसे कितने कितने बजे में जमा हुआ वो टोटल डिटेल आपको दिखा रहा है। ठीक है तो 179,400 यहां पे भी आ रहा है और आपका एज पर आपका लेजर भी आ रहा है एज पर। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ये करें मतलब एक्सेल में मेंटेन करें, आप चाहेंगे तो इसको रजिस्टर में भी जिस तरह से मैंने लिखा उसको रजिस्टर में भी लिख सकते हैं। ठीक है आप इसको ये मुर्ताज आप इसको रजिस्टर में भी उतार सकते हो, अगर आपको अगर एक्सेल में अगर प्रॉब्लम है काम करने में तो आप इसको रजिस्टर में भी अगर आप चाहते हो तो एक्सेल फाइल में भी मेंटेन करके रख सकते हो, आप चाहो तो रजिस्टर में भी मेंटेन करके रख सकते हो। लेकिन इस हाँ मान लो मुर्ताज क्या करेगा रजिस्टर में मेंटेन करेगा, आप एक्सेल में मेंटेन करो। ठीक है तो उससे क्या होगा हिसाब ये करना है मतलब, लेकिन ये आपका दिन खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि ये हिसाब मेंटेन नहीं कर ले, ये डेली का डेली ये हिसाब आपका मेंटेन होना चाहिए, आपका कैश मैच करना चाहिए आपको उससे। अच्छा अब ये क्या है रिमेनिंग नोट आपका कितना था जो रात में आपने 29 का निकाला स्लिप, तो उस वक्त आपका एटीएम में कितना कैश बचा हुआ था उसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग। अब आपने हमारी पर्ची है ये वाली है ना 29th की, ये 28th हो गया, ये हो गया 29th। ठीक है अच्छा अब ये 29th का रिमेनिंग नोट निकालते हैं जो मैंने बताया था जो सबसे लास्ट में जाके नेक्स्ट करके। ठीक है अच्छा ये जो CST1 है जो ये टॉप कैसेट है ये रिजेक्टेड कैसेट है, ये पैसे जो है आपके डिस्पेंस नहीं होते, इसको आपको EOD करना पड़ता है ना, आप कैश सिग्निफिकेशन रिक्वेस्ट देते हैं जिसका कि आपको या तो इंजीनियर आपको OTP शेयर करेगा या वो इंजीनियर खुद आके आपको EOD करेगा। ठीक है ये पैसे डिस्पेंस नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना ये टॉप कैसेट वाले CST1 वाले। ठीक है अच्छा अब आपका 500 का कितना नोट है नॉर्मल नोट कितना हो गया 307 नहीं 30 नहीं हम लोग पूरा लिखेंगे 333 लिखेंगे
330 नॉर्मल कैसेट में 307 है, लेकिन हम लोग इसको जब हिसाब लिखेंगे तो हम लोग चूंकि वो जो हिसाब है वो पूरा लेके चलेगा, है ना, तो 333 हाँ, तो हम लोग टोटल डालेंगे तो कितना कितना है, 333 500 है, 2000 का 7 है और 200 का कितना है, 15 नोट है, ये 46 है, याद कर लिया आपने इसको, ठीक है, 333 है ना। अब मेरे को बताओ जरा, ठीक है, इसका 7 नोट है ये, है ना, 333, अच्छा 200 कितना है, 15, 100 कितना है, 46, ठीक है, 1, अच्छा ये टोटल अमाउंट आ गया, ये आपका टोटल अमाउंट आ गया, ये यहां पे आपको टोटल अमाउंट 188,100 दिखा रहा है, ठीक है, ये रिमेनिंग नोट का आपने लिख लिया, ये तो नॉर्मली, अच्छा अब ये अमाउंट आपको मैच करना चाहिए जो आपका कंपनी का जो आ रहा है, जो रिपोर्ट आ रहा है ना, उससे ये मतलब जो आपका कैसेट में पैसा दिखा रहा है और जो कंपनी आपको रिपोर्ट भेज रही है वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कैसे करेंगे मैच करने के लिए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करना पड़ेगा, कंपनी ने मतलब जो भेजा 188,100 जो है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन क्या है, ये आपका देखो ये टोटल रिमेनिंग नोट कंपनी का जो हिसाब है ना वो ये करेंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे, टोटल रिमेनिंग कैश प्रीवियस डेट, ठीक है, जो पिछले दिन था, पिछले दिन मतलब कब, 28 को, कब, 8 को, हाँ तो उसको हम लोग ये करेंगे, 28 का है ना ये, तो इसको ये कर लो, इसको कॉपी कर लो, नहीं नहीं डेट नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ पे ये इसको कॉपी करके और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 29th की जगह डेट चेंज करके 28th कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, 28th में कर दिया, है ना, टोटल कैश रिमेनिंग इन द एटीएम ऑन 28th मे, ठीक है, और ये वाला जो था वो आपका है, ये है आपका 29th का, ये सब हमेशा कैप्शन लिखा करो जिससे कि कल के डेट में आपको समझने में आसानी होती है, अगर आप प्रॉपर चीजों को लिखते हो ना तो आपको हर चीज को समझने में आसानी होगी, ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसका ये फिगर चेंज कर देंगे, ठीक है, अच्छा ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि आप इसको थोड़ा सा बीच में एक गैप रख देते तो अच्छा रहता है ना, ये एक साथ सटा हुआ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आप क्या करो, ठीक है, अब यहां पे आप ये जो हम लोग स्लिप है वो स्लिप में हम लोग देखेंगे 28th का रिमेनिंग नोट, क्या देखेंगे, ये 28th का रिमेनिंग नोट है, ठीक है, तो 28th में कितना है आपका, 500 कितना है, 7 नोट आपका 2000 का है, 200 203 है, लिख लिया, ठीक है, चलो बताओ मेरे को, अब ये 7 है, ये 611 है,
ये कितना है? 203 है और 83, ये है 83, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 368 400, ठीक है। तो आपका 28th के दिन आपके एटीएम में कैश कितना था? रात में जब आपने दुकान बढ़ाया तो उस वक्त आपके एटीएम में 368 400 था, ठीक है, रिमेनिंग नोट के हिसाब से। अच्छा, अब आपको ये देखना है साहब कि आपका जो ये 29th का जो दिखा रहा है रिमेनिंग कैश, क्या वो सही है? जो पैसे आपने रिसीव किए कंपनी से, है ना, तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको पहले 28th का अमाउंट कितना है? 368 400 क्या है? तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 368 400 यहां पे डाल देना, टोटल रिमेनिंग कैश ऑन, यहां पे डेट डाल दीजिए, 28th का डेट डाल दीजिए, टोटल रिमेनिंग कैश ऑन 28th मई इन एटीएम, ठीक है। बिल्कुल सारी चीजें अच्छी अच्छी तरह से लिखोगे तो समझने में आसान होती है चीजों को, ठीक है। कितना है? 368 400 हो गया। अच्छा, इसको माइनस किससे करना है? टोटल डिपॉजिटेड। टोटल डिपॉजिट मतलब या तो कार्ड से डाला, कार्ड से आपने जमा किया, या कस्टमर ने अपने एटीएम कार्ड से डाला, दोनों मिला के, ठीक है। वो कितना था टोटल हम लोगों का? टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट कहां से देखेंगे हम लोग? ये हमने यहां पे निकाला ना, कितना है? 179 400 क्या है? टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड है ना, ये 179 400 है, तो इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या डाला हम लोगों ने? टोटल अमाउंट, टोटल कैश डिपॉजिटेड इन एटीएम ऑन 29th, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन एटीएम ऑन 29th मई, ठीक है, कितना है? 179 400 179 400, ठीक है। अच्छा, ये टोटल अमाउंट आ गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट, टोटल रिमेनिंग अमाउंट इन एटीएम, ये आ गया आपका 1,00,000 नहीं, ये आपका ये आ गया टोटल रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा, इसमें अब अच्छा, इसमें एक आ गया आपका टोटल, अच्छा, यहां पे हमको डिस्पेंस अमाउंट से इसको माइनस करना है, इस अमाउंट को डिस्पेंस अमाउंट से माइनस करना है। अच्छा, मैंने डिस्पेंस अमाउंट निकालने का भी तरीका बताया था, वो देख के क्या बताया था उसमें मुर्तज? मैंने आपको बोला था डिस्पेंस का भी निकालने का तरीका, ठीक है। तो डिस्पेंस निकालने के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा 29th मई, नंबर ऑफ CWD कैश विड्रॉवल, CWD नोट्स, है ना, आपका जो स्लिप आता है, ठीक है, उसमें हम लोग का DEP ऊपर में CWD दिया रहता है, नीचे में DEP दिया रहता है ना, ये हो जाएगा 28th। जिस तरह से हम लोगों ने डिपॉजिट निकाला उसी तरह से हम लोग किसी भी तरह मेरे एटीएम से कितने पैसे डिस्पेंस हुए वो भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। 28 में नंबर ऑफ नोट्स, 28 में नंबर ऑफ CWD नोट्स, है ना। अच्छा, तो अब हम लोग फिर से इसको भी देख लेते हैं एक बार जरा। नहीं, ये वाला जो है ना CWD, अगर हमको डिस्पेंस निकालना है तो डिस्पेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 29th के CWD नोट से 28th के CWD नोट को माइनस करेंगे। आप लिख लीजिए 500 का कितना है? 677, क्या है? 677, 234 और 77, ठीक है, याद कर लीजिए, ठीक है, याद हो गया,
इस वाले से ये 29th का CWD नोट है ना, कैश विड्रॉवल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग इसको डाला 677, 29th में कितना है, 2000 जीरो है, 2000 क्या है, जीरो है, 500 कितना है, हाँ, और 500 600 234 और 100 नहीं है ना, 177 है, ठीक है। अब इसको हम लोग 28th के CWD नोट के से माइनस कर देंगे, 28th के, ठीक है। तो 28th का फिर से हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं, ये 29th का है, अब हम लोग इसमें 28th में चले जाते हैं, तो हम लोगों का डिस्पेंस का फिगर आ जाएगा, हम लोगों का किसका फिगर आ जाएगा, नहीं नहीं ये कौन सा डेट का है, ठीक है, 28th में का है। तो 500 कितना था, 31, 200 कितना है, 31, 44 और 40, ठीक है। तो ये जीरो है, ये 31, 44, 40, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोट्स ही आ गया, तो कितना अमाउंट हमारा एटीएम से डिस्पेंस हुआ था 29th को, 3,59,700, ठीक है। अच्छा अब क्या, अब ये मेरा मशीन का बिल्कुल फिगर बता रहा है, मशीन ने कितने पैसे डिस्पेंस किए, ठीक है। ये अपना एटीएम में हो सकता है कभी कभार, जैसे जो अपना एटीएम में आपका फिगर दिखाता है उससे ये अमाउंट कभी कभी मिसमैच कर सकता है, लेकिन ये अमाउंट कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। ये जो आप निकालेंगे ना, आप अपने मतलब CWD 28th के 29th के CWD नोट से आप 28th के कैश विड्रॉवल नोट्स को माइनस जब करते हैं तो आपको एक्चुअल डिस्पेंस अमाउंट पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव फिगर आ रहा है। तो 3,59,700 है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, उसको क्या करेंगे, ये इक्वल टू फॉर्मूला डालेंगे, ये टोटल अमाउंट माइनस दिस, ये हमारा कितना आ गया, मेरा रिमेनिंग नोट कितना था उसमें, मेरा 29th का रिमेनिंग नोट क्या दिखा रहा था, वो तो ये मेरा हिसाब बिल्कुल मैच कर गया। इसका मतलब मेरे को जो कंपनी ने रिपोर्ट जो दिया और मेरा जो एटीएम में कैश है वो दोनों मैच कर रहा है, कर रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हिसाब मिल गया। अच्छा अब ये देखो कि कंपनी ने मेरे को क्या जो भेजा है अपना रिपोर्ट, वो रिपोर्ट मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपनी ने कितना दिखाया है एक्चुअल डिस्पेंस, ठीक है। मतलब कंपनी ने भी जो डिस्पेंस अमाउंट दिखाया और आपका जो एटीएम भी डिस्पेंस दिखा रहा है वो दोनों मैच कर रहा है, मतलब हम लोगों ने देखिए हम दो हिसाब को मिलाएंगे, एक मिलाएंगे जो डिपॉजिट हुआ, ठीक है। अच्छा कंपनी जो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट आएगा ना, जो आप निकालोगे वो कंपनी के ये डिपॉजिट अमाउंट से वेरी कर सकता है, क्यों करेगा बता सकते हो मेरे को, जैसे ये डिस्पेंस जो है ना ये अमाउंट तो हमेशा मैच करेगा कंपनी के रिपोर्ट के साथ, ठीक है। जो आप इससे निकालते हैं हम लोग मतलब 29th के कैश विड्रॉवल से 28th के कैश विड्रॉवल वाले नोट्स को माइनस जब करते हैं तो हमको एक्चुअल डिस्पेंस फिगर मिल जाता है, ठीक है। और ये मैच, ये वाला हिसाब मेरा जो मशीन के हिसाब से मैच कर जाएगा, लेकिन ये हमेशा मैच नहीं करेगा, कस्टमर डिपॉजिट वाला जो रिपोर्ट है वो मेरे इस रिपोर्ट से मैच नहीं करेगा। ये जो मैंने ये निकाला ना टोटल कैश डिपॉजिटेड इन द एटीएम यूजिंग डेबिट कार्ड एंड हिटैची डिपॉजिट कार्ड, ये मैच क्यों नहीं करेगा हमेशा, ये बताओ मेरे को, ये हमेशा मैच नहीं कर सकता है आपका, बताओ इसका कारण मेरे को बताओ। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, इसके आगे का रिपोर्ट जो दिखाएंगे ना हम लोग 30th का, वो देखिएगा मिसमैच होगा उसमें, ये क्यों नहीं मैच करेगा ये मेरे को बताओ, क्योंकि जो कंपनी रिपोर्ट भेज रही है वो केवल कस्टमर डिपॉजिट भेज रही है, वो आप जो हिटैची डिपॉजिट कार्ड यूज करके जो पैसे डालते हैं वो नहीं भेज रही है,
समझ में आया? तो अगर आप किसी दिन जब आप अपना डिपॉजिट कार्ड हिटैची डिपॉजिट कार्ड यूज करके अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो वो ये यहां वाला जो अमाउंट आएगा वो इस वाले अमाउंट से मिसमैच होगा। हमारा जो ये डिपॉजिट आ रहा है, क्योंकि मैंने लिखा ये टोटल कैश डिपॉजिटेड इन एटीएम यूजिंग डेबिट कार्ड एंड हिटैची डिपॉजिट कार्ड, मतलब इसमें कस्टमर का पैसा भी जुड़ा हुआ है और आपने जो लोड किया वो भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जो कंपनी रिपोर्ट भेजती है वो केवल कस्टमर डिपॉजिट भेजती है आपको। समझ में आया क्या सदरुल मुर्तज? मतलब कंपनी जो रिपोर्ट भेज रही है वो केवल कस्टमर डिपॉजिट भेज रही है, आपने जो पैसे लोड किए वो पैसे नहीं भेजा, क्योंकि वो कंपनी कंपनी को, क्योंकि कंपनी को ये पैसे डिडक्ट करने हैं। वो कंपनी ये क्यों कस्टमर डिपॉजिट का रिपोर्ट भेजती है? क्योंकि वो आपके डिस्पेंस में से इस अमाउंट को माइनस करके आपको पैसे पे करेगी, लेकिन जो पैसे आपने डाले हैं उस पैसे में सबको माइनस नहीं करना है कंपनी को, लेकिन जो कस्टमर का डिपॉजिट होता है वो पैसा माइनस करके ही कंपनी आपको पेमेंट करती है। इसी के कारण कंपनी जो अपना रिपोर्ट में केवल कस्टमर डिपॉजिट मेंशन करती है, ना कि जो पैसा आप लोड करते हैं वो मेंशन करेगी, ठीक है? लेकिन आपको जब हिसाब निकालने के लिए आप अगर केवल कस्टमर डिपॉजिट अगर इसमें मेंशन करेंगे तो आपका हिसाब नहीं आएगा। आपको हिसाब मिलाने के लिए उसमें दोनों, जो पैसे आपने लोड किए या कस्टमर ने किए, वो टोटल डिपॉजिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये समझ में आ गया? कहीं को क्वेश्चन पूछना है तो पूछते जाओ मेरे से, क्योंकि हाँ कोई कहीं कहीं कंफ्यूजन किसी तरह से आपको आ रहा है तो पूछते जाओ मेरे को, कहीं पे भी कोई डाउट है कुछ है पूछते जाओ, क्वेश्चन पूछते जाओ, क्वेश्चन पूछोगे अच्छा रहेगा। ये वाला ऊपर वाला कि नीचे वाला? हाँ ये अच्छा, अगर अगर ये देखो नीचे में जो हम लोगों ने कह दिया ये जो निकाला हिसाब इसमें 368, ठीक है, ये टोटल टोटल रिमेनिंग कैश, अच्छा टोटल कैश डिपॉजिटेड इन एटीएम ऑन 29, अगर इसमें हम लोग कंपनी वाला रिपोर्ट डाल देंगे तो मेरा हिसाब गलत हो जाएगा। इसमें हमको कंपनी वाला नहीं डालना है, क्योंकि इसमें टोटल कैश डिपॉजिटेड, टोटल कैश मतलब जो हम लोगों ने हिटैची का ये डिपॉजिट कार्ड यूज करके जमा किया है या फिर कस्टमर ने जमा किया, वो दोनों अमाउंट आएगा। मतलब आप वहां कंपनी के रिपोर्ट से ये अमाउंट नहीं लिखोगे, ये आपने जो इससे निकाला है जो मतलब 29th के डीईपी के नोट्स को आपने 28th से माइनस करके जो निकाला है फिगर, आप यहां पे वो फिगर लिखोगे, ठीक है, तब जाके आपको आपका एटीएम का कैश एग्जिट मिलेगा। समझ में आया? आप अगर कस्टमर आप अगर इसमें आप मतलब कंपनी का जो कस्टमर डिपॉजिट जो आप डाल रहे हैं हिसाब में, अभी जैसे मैं ये तो आपको मिल गया ना हिसाब, अब ये आज का डेट का हिसाब क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 29th का, ठीक है, ये 29th का पूरा हिसाब आपको समझ में आ गया? हाँ, अब देखो अब लेकिन इसके आगे जो 30th और 31st का जो है ना वो आपको माथा खराब करेगा, वहां आपको जो मैंने अभी समझाया है ना वो आपको पता चलेगा 29 May 2020। ये हिसाब आपको इस तरह से नहीं कोई समझाएगा आपको, ठीक है, इतना टाइम देके मैं समझा रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग सही तरह से हिसाब मेंटेन करें। अगर आप लोग अगर ये नहीं करेंगे तो ये एटीएम, जैसे आप कोई भी दुकान खोलते हैं तो आप अपना गल्ला मिलाते हैं ना कि मैं 1,00,000 रुपए लेके बैठा था, सामने मेरे गल्ले में कितने पैसे बचे हैं, ठीक है, तभी जाके आप चाहे भले ही किसी, अगर सपोज मैंने कल एक ये मैंने कल इसको एग्जांपल दिया था मुर्तज को कि मान लो आपके गल्ले में 1,00,000 रुपए हैं, ठीक है, और अगर अगर आप आपको पता चलता है कि मैं आपके मान लो सगरुल ने किसी को 1,50,000 रुपए दे दिए, ठीक है, जबकि आपने गल्ले में 1,00,000 रुपए रखे थे, ठीक है, और सगरुल आपको बोलता है सामने कि हाँ वो एक आदमी आया था मैंने उसको 1,50,000 रुपए दे दिया, तो आपको उस हिसाब में कोई अंतर नजर आएगा? मान लो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके गल्ले में मात्र 1,00,000 रुपए थे, ठीक है, और सगरुल आपको सामने हिसाब देता है और बोलता है कि मैंने वो एक आदमी आया था मैंने उसको 1,50,000 रुपए दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, पूछोगे उससे?
ज्यादा क्यों दिया? नहीं ज्यादा क्यों दिया नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके गले में 1,00,000 रुपया था, तो आप उससे क्या पूछोगे? हाँ समझ में आया कि जब गले में 1,00,000 रुपया था तो 50,000 रुपया आपने उसको 1,50,000 रुपया कैसे दे लिया? ठीक है, उसी तरह से अब जब हम अगले डेट के हिसाब में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपका एटीएम में कैश कम है, ठीक है, और ज्यादा कैसे चला गया वो आपको हिसाब में मैं अभी पकड़ में वो करूंगा, ठीक है। वो तब होता है जब कोई कस्टमर आके डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। मैंने मान लो 1,00,000 रुपए दिया, मैंने एटीएम में 1,00,000 रुपए लोड किया, और मैं जब शाम में जब मैं डिस्पेंस का फिगर देख रहा हूं अपना एटीएम का, तो मैं देख रहा हूं कि 1,70,000 रुपया निकला हुआ है मेरे एटीएम से, तो मुझे सोचना चाहिए कि आखिर ये 70,000 रुपया कहां से आया। तो वो इसका मतलब कि कस्टमर ने डिपॉजिट किया है, किसने किया है? हाँ, तो वो आपका जब आप ये लेजर मेंटेन करोगे तो वो हिसाब आपको समझ में आएगा। अगर आप लेजर नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आपको ये हिसाब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी चीज मैंने एक चीज अभी छोड़ दिया, टोटल कैश डिपॉजिटेड इन द एटीएम। अच्छा, इसको अगर अच्छा ये कैसे फर्क पता चलेगा कि आपने जो पैसे जमा, जो एटीएम में कैश जमा है उसमें कस्टमर का कैश डिपॉजिट कितना है और आपका कैश डिपॉजिट कितना है, वो कैसे पकड़ेंगे आप? नहीं, इसमें देखो क्या करना होगा, अगर आपको ये पकड़ना है, मैंने अभी जो बताया आपको कि कस्टमर जैसे आपने सपोज ये 1,79,400 है, ठीक है, ये फिगर टोटल 1,79,400 है टोटल डिपॉजिट, ठीक है। अब इसमें से ये कैसे पता चलेगा आपको कि 1,79,400 ये आपका आपने जमा किया है कि कस्टमर का जमा है, ये कैसे पता चलेगा? नहीं डियर, आप टोटल कैश डिपॉजिटेड जो है आपका फिगर जो आपने निकाला 29 से 28 के नंबर ऑफ नोट्स को माइनस करने के बाद, है ना, उसको आप जो आपको कंपनी का रिपोर्ट आ रहा है उस रिपोर्ट में से उसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि कंपनी जो आपको रिपोर्ट भेज रही है वो केवल कस्टमर का डिपॉजिट भेज रही है। समझ में आया? आपके एटीएम में जो पैसा जमा हुआ वो आपने जमा किया कि कस्टमर का जमा है? तो जैसे मैंने अभी देखा, ये यहाँ पे देखा ना, ये मेरा हिसाब टोटल कैश डिपॉजिटेड कितना बता रहा है, टोटल कैश डिपॉजिटेड कितना बता रहा है, 1,79,400 क्या बता रहा है? 1,79,400 बता रहा है। अच्छा, मेरा ये कंपनी का रिपोर्ट क्या बता रहा है? मेरा कंपनी का रिपोर्ट भी बता रहा है 1,79,400, ठीक है। इसका मतलब कि मैंने कोई पैसा लोड नहीं किया, ये मतलब आपका टोटल कैश डिपॉजिटेड है ना, टोटल कैश डिपॉजिटेड इन द एटीएम, ठीक है। इसमें आपका डिपॉजिट कार्ड भी हो गया और हिटैची कार्ड एंड कस्टमर, ठीक है, ये दोनों का। अच्छा, ये जो रिपोर्ट आ रहा है आपके पास, ये केवल जो कस्टमर का, जो कंपनी ने रिपोर्ट दिया वो केवल कस्टमर का आ रहा है, तो यहां पे भी आपने दोनों का अमाउंट सेम है, तो इसका मतलब कि आपके अमाउंट में कोई डिपॉजिट आपका नहीं आया, मतलब जो भी ये, नहीं ये 1,0 ज्यादा हो गया, ठीक है, ये 0,0 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर कहीं, अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं कि आपका ये अमाउंट ज्यादा है और ये अमाउंट कम है, तो इसका मतलब आपने पैसे जमा किए, ठीक है। अब इसका अगले रिपोर्ट में मेरे को जो हम लोग 30th का जो हिसाब करेंगे उसमें ये पता चलेगा हम लोगों को। अब ये 30th का जो हिसाब करेंगे ना, ये यहां तक क्लोज हो गया, मैं इसको 29th का क्लोज कर दूं हिसाब। जो भी आप ये बनाओगे लेजर,
इसको जाके सेव एज कर दोगे, क्या कर दोगे, डेट डाल के सेव एज 29 मई 2020, इसको सेव कर दिए, कर दिए, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दोगे, अब क्लोज करने के बाद फिर से खोलोगे नया वाला हिसाब, नया हिसाब करके आप 30th का देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, समझ में आया, कहीं कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो मेरे से, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछो मुझसे। आपने पर्ची मेरे को व्हाट्सएप में भेजा है, आप जब हिसाब जब मेंटेन करोगे ना इस हिसाब से, तो आपको पता चल जाएगा, जो देखो आपको पैसा कितना मिलेगा वो पैसा आप यहां से निकालेगा, टोटल कैश डिस्पेंस फ्रॉम द एटीएम, ये जो पैसा डिस्पेंस आएगा ना आप जो निकालोगे इस फिगर में, यही पैसा आपको मिलेगा हिसाब, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो आपको व्हाट्सएप में दे दिया ना वो काम रात में, और हम लोग ये पूरा समझते बाद में, तो मेरा मीटिंग का अंदर कितना पैसा और हम लोग का पे आउट कितना मिलेगा। अच्छा अब मेरे को तुम लोग अगर तुम लोग समझ गए हो हिसाब को, ठीक है, तो मुझे अब आप मेरे को 29 मैंने आपको 29 का कर दिया, अब आपके पास स्लिप है, ठीक है, आप मुझे 30th का हिसाब बना के बताओ। अगर आप मेरा हिसाब समझ गए ना, तो ये पूरा का पूरा अब आप सगरुल, ठीक है, टोटल क्या 30th का, अभी जो आपको आपको पैसे जो आप 30th और 31st का जो है आप हिसाब बनाओ मेरे सामने, मैं अभी हूं, आप कितना हिसाब समझे हो मेरा जो मैंने आपको बताया है। है ना पर्ची, है ना पर्ची, तो मैंने दिया ही हुआ पूरा, आप अपना ये देखो सारी पर्ची तो है ही, पर्ची तो सारा है, पर्ची की चिंता क्यों करते हो, पर्ची तो मैं बिना तो होमवर्क किए तो बात ही नहीं करता यार। मैंने जब पूरा आपने तो यार आपने मेरे को बोल दिया कि सर मेरा इतना पैसा कम आया, ठीक है, आपने तो मेरे को बोल दिया, मेरा काम क्या है, अब आपने तो कुछ लिखा भी नहीं, कुछ भी हिसाब नहीं रखा, तो मुझे तो अब उसको करना था ना। अरे ऐसे नहीं होता है ना यार, गले की समझ नहीं आया ना सर। तो अब समझ गए ना, अब आप रात में जब तक सो जब तक हिसाब नहीं करोगे सोगे नहीं, ठीक है ना, मिलेगा ही ना। देखो यार देखो मैं तो हम लोग कंपनी कहती है आपको, आपने जो LOI भी मिलता है तो उसमें लिखा रहता है, उसमें LOI का तरीका बताया रहता है, लेकिन कोई भी लड़का LOI मतलब EOD नहीं करता है। EOD नहीं करने पे क्या होगा, एंड ऑफ द डे है ना, उसका हिसाब नहीं करोगे तो आपका हिसाब कभी मैच ही नहीं करेगा, हमेशा दिक्कत आएगी। दो सौ नोट नोट अच्छा अब आप मेरे को अब आप मेरे को 30th का करके बताओ मेरे को। आप लोग पहले 30th का पर्ची मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखो ये वाला हटा दो आप, 28th का हट गया, ये 28th का हटा देता हूँ मैं, इसमें 29th का चाहिए मेरे को, और एक 30th का मैं खोल लेता हूँ, है ना, ये माइनस का ये हटा दिया मैंने, ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे कहाँ है, 29th का तो चाहिए मुझे,
29th है ना, तो 29th को खोल लो आप। ठीक है, ये 29th का हो गया, ये 29th का रिमेनिंग हो गया। अब ये 2nd June है ना, ये तो 29th। अच्छा, आप इसको खोल लो यहां से। ठीक है, ये देखो मैंने खोल दिया। ठीक है, आप बताओ मेरे को। नहीं, अभी अभी 30th का, मेरे को अभी 30th में मेन आपको पता चलेगा। 30th और 31st में जो हिसाब निकालोगे ना, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, सारी चीजें। आप 30th और 31st का निकालोगे तब जाके आपको पूरा हिसाब समझ में आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप करिए। अभी बताइए मेरे को। क्या हुआ? हाँ बताओ। हेलो, हाँ क्या हुआ? जल्दी 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 जल्दी, लेट करोगे तो कैसे काम चलेगा डियर? जल्दी काम करोगे तो तभी तो बैठ के बियर पियेंगे। ये देखो, ये पहले हम लोग 31st में नहीं जाइए, हम लोग जाएं रिमेनिंग नोट्स। ठीक है, अब 30th में देखो, अब लिखो 2000 का कितना नोट है? 7 नोट। 500 का कितना है? अरे आप लैपटॉप मत बनाओ ना, मेरे को मैं बताते जा रहा हूँ, आप करते जाओ, छोड़ दो अभी। तुम अभी लैपटॉप मत बनाओ, मेरे को बोलते जाओ जल्द। बस अभी रुको, 2000 का कितना नोट है? 500 का कितना है? 69। 200 का कितना है? 31। अच्छा, लिख लिया ना आपने? अभी छोड़ दो, मेरे सामने बनाओ, मेरे सामने इसमें बनाओ, मैं देख रहा हूं उसमें बनाओ। बताओ कितना है? 29th का है ये नंबर ऑफ नोट। ये हम लोग ये करंट डेट मतलब कहां ये डालेंगे हम लोग इसमें? 30th क्या डालेंगे? 30th मई। अच्छा, इसमें प्रीवियस डेट में डाल देंगे हम लोग, पिछला डेट हो जाएगा 29th। क्या हो जाएगा? 29th मई। ठीक है, अच्छा 30th में 2000 कितना है? 7 नोट है। कितना है? नहीं सॉरी, ये इसमें डालना है। हाँ, ये कितना है? 2000 कितना है? 7। हाँ, रिमेनिंग नोट 7 है। और 500 कितना है? अरे यार, ये देखो ना, रिमेनिंग वाला। हाँ, रिमेनिंग बताओ ना, रिमेनिंग 69 91 47।
61 91 फिर 47 ठीक है। कितना है टोटल रिमेनिंग नोट कितना है? 67,400 ठीक है, 67,400 ठीक है, 67,400 हो गया। चलो ठीक है, 29th का बताओ कितना है, 29th का अपना उसमें देख के बताओ कितना कितना नोट है, 29th मई का बताओ कितना कितना है। इसमें मत देखो ना, अपने अपने व्हाट्सएप में देखो ना। हाँ हाँ ठीक है, व्हाट्सएप में देखो ये कितना है। हाँ 7,333,1546 ठीक है, 7,333,1546 क्या है, 7,333 हाँ, और 200 कितना है, 15 और 100 कितना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप मेरे को करने दो, मेरे को करने दो, मेरे को करने दो, 15 और 100 कितना है, 46 ठीक है, 1,88,100 है। अच्छा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 67,400 मतलब 29th के 30th मई के जो आपने दुकान जब बंद की तब आपका टोटल अमाउंट जो एटीएम में था वो 67,400 था ठीक है। अच्छा और आपका 67,400 था ठीक है। अच्छा अब एक चीज और पकड़ लो जरा ठीक है, अब इसका मान लो रिपोर्ट क्या दिखा रहा है, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो ये मुर्ताज मैं आपको उसी दिन का हिसाब जो बोल रहा था इसी के कारण मैं जो आपसे बोल रहा था पूछ रहा था ना, आप मेरे को उसका आंसर नहीं दे पा रहे थे ठीक है। मैंने आपसे बोला पूछ रहा था उस दिन ठीक है कि हमारे एटीएम में 67,000 नोट बचा हुआ था ठीक है। अब इसमें अब मैं एक चीज पूछता हूं तुमको ठीक है, मैंने डिपॉजिट का फिगर नहीं निकाला, मान लो डिस्पेंस देख लिया ठीक है ना, ये अच्छा कस्टमर का डिपॉजिट हुआ 65,100 क्या हुआ, कस्टमर का डिपॉजिट क्या हुआ 100 ठीक है। अच्छा 65,000 कस्टमर का डिपॉजिट हुआ और मेरा एक दिन पहले कितना था, 1,88,100 था ठीक है। तो हम इस अमाउंट को पहले सबसे पहले एक बार लिखते हैं जरा, कितना टोटल अमाउंट रिमेनिंग जो था ना, ये 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 कितना हो गया टोटल रिमेनिंग कैश इन द एटीएम, प्रीवियस कैश कितना है 1,88,100 क्या है। अच्छा टोटल कैश डिपॉजिटेड इन द एटीएम, अगर ये हिसाब हम लोगों का मैच नहीं करता, अगर हम यहाँ पे कंपनी का केवल कैश डाल देते ठीक है, अब हम लोग ये करना चालू करें ठीक है, डिपॉजिट पहले निकालो ठीक है। तो डिपॉजिट में पहले 30th का देखते हैं हम लोग ठीक है, तो 30th मई को कितना पैसा हमारा डीईपी है कैश डिपॉजिट और कितना पैसा है सीडब्ल्यूडी कैश विड्रॉवल ठीक है। तो हम इसका पहले हम लोग को चाहिए 30th का ये डीईपी है ना, रिमेनिंग नोट तो डाल दिया हम लोगों ने
और 29th का चाहिए, है ना। तो अब ये हमारा पास आ गया 30th, कितना नोट है 2000 का, कितना है 500, कितना है लिखते जाओ, कहीं कागज में लिखते जाओ, 200 कितना है, 100 कितना है 57, ठीक है 961251, तो ये जीरो है 961, 200 कितना है, 200 कितना है 251, 100 कितना है 67. अच्छा अब 29th का बताओ, 29 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है कितना कितना है 679 और 59, कितना है 679 और 59, ठीक है तो यहां पे जीरो डाल दिया, अच्छा यहां पे क्या डाल दिया 679, अच्छा यहां पे कितना डाल दिया 59, अच्छा ठीक है। अब देखो यहां पे मेरे को पकड़ में आएगा जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें आपका पैसा डिपॉजिट कितना है और कस्टमर का कितना पैसा डिपॉजिट है, ठीक है। अब ये फिगर हमारा कितना दिखा रहा है 185,100, ठीक है यहां पे हम लोग ये डाल देते हैं 185,100, ठीक है। अच्छा अब जो हमको कंपनी का रिपोर्ट मिला उसमें क्या दिखा रहा है कस्टमर 65,100 ही दिखा रहा है, समझ में आया, क्या समझ में आया, तो फिर नहीं जब कस्टमर का 65,100 ही है तो वो 185,000 कैसे हो गया, हाँ समझ गए, मतलब यहाँ पे टोटल कैश डिपोजिट है इन द एटीएम क्या हो गया 185,100, ठीक है। अच्छा कस्टमर का डिपॉजिट कितना, आपका वो रिपोर्ट क्या बता रहा है 65,100, ठीक है। बाकी पैसा 1,20,000 आपने हिटैची डिपॉजिट कार्ड यूज करके डाला, ये अगर आप ये वाला हिसाब नहीं लिखोगे तो पता चलेगा कि ये पैसा आपका गया उसमें, समझ में आया, ये 1,20,000 आपने उस दिन डाला, ठीक है। मुर्तज के पास ये हिसाब ही नहीं था, मैं इसे पूछ रहा था लेकिन मुर्तज के पास इसका हिसाब ही नहीं था, समझ गए। अब मुझे जब मुर्तज ने बोला, मुझे मुर्तज ने बोला कि सर तो मैं तो पहले उसको जोड़ा, मैंने देखा कि 65, मैंने क्या देखा कि भाई कस्टमर डिपॉजिट दिखा रहा है 65,100, सिक्स है कौन, अब तो आगे एक शुरू किया सर, वही चीज ना है, वही चीज तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना कि आप अगर जब तक एटीएम जब चला रहे हैं जिसमें कि कस्टमर का भी पैसा आ रहा है, आप भी पैसे डाल रहे हैं, और अगर आप अपना प्रॉपर लेजर मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर आपका जब कैश शॉर्ट आएगा तो आप कैसे पता चल पाएगा आपका। अच्छा अभी देखो, अभी मैं आपको अभी मेजर अभी आपको प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं उसमें क्या होने जा रहा है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया,
आप आपका पैसा कितना जमा हुआ, कस्टमर ने कितना जमा किया, ये आप आराम से पता कर सकते हैं रिपोर्ट, अपना टोटल डिपॉजिट में से पता चल जाएगा ना। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ, अब एक और हिसाब पे आ जाओ। अब इसमें बताओ मेरे को, वो जो हम लोगों ने देखा अभी, ये यहाँ पे थर्टियत का अब हम लोगों को टोटल डिस्पेंस निकालना है। टोटल डिस्पेंस में से कितना है, लिख लो अमाउंट, लिखो 500 का कितना नोट है, 1213 कितना है, 1213 और 200 कितना है, ठीक है लिख लिया, सब चीज लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को बताओ जल्दी जल्दी 2000 कितना है, जीरो। 500 कितना है, 1213। 200 कितना है, 350। 100 कितना है, 133। ठीक है, अब 29th का देखो, 100 ये है ना, लिख लिया इसको 667234777। ठीक है, अब यहां पे डाल दिया जीरो, यहां पे डाल दिया 667, ये हो गया 234, और 100 कितना है, हाँ क्या बोला, 777 77। ठीक है, अब देखो, अब मेरे एटीएम से कितना कैश निकला, तो ये पता चल गया मेरे को 318,000। ठीक है, अच्छा अब इसको मैच करूंगा, मैं किससे मैच करूंगा कि मेरे को कैसे कितने पैसे आने चाहिए। देखो यही पैसा जो आता है ना, वो पैसा आपको इंडेंट मिलेगा या बैंक में पैसे जाएंगे आपके। ठीक है, ये जो आप निकालेंगे ना टोटल डिस्पेंस, टोटल कैश डिस्पेंस फ्रॉम द एटीएम, अब आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरा, ये हिसाब क्या दिखा रहा है, 30180। ठीक है, पता चल गया। अच्छा अब आपके एटीएम में कैश कितना रहना चाहिए, ठीक है, अब उसको मिला देना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है ना, अब उसको भी हम लोग कैसे मिलाएंगे, तो आपका उसको मिलाने का तरीका क्या है, ये देखिए, ये मेरा निकल गया कि मैंने कैश 120 डाला, कस्टमर ने 65,000 डाला। ठीक है, टोटल एटीएम में मेरा कैश जमा हुआ 30th को 1,85,100। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर टोटल रिमेनिंग कैश में को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, ये फॉर्मूला डाल रहा हूं मैं, दिस माइनस दिस, नहीं 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 ना, नहीं सॉरी, डिस्पेंस अमाउंट करेंगे ना, माइनस दिस। ठीक है, कितना आया, 71,400। कितना अमाउंट आना चाहिए था, 71,400। ये मिसमैच कर रहा है हिसाब, ये यहां तो हमारा रिमेनिंग नोट कुछ और दिखा रहा है, ये 60, ये यहां पे कुछ गलती हुई है हम लोगों से, आप इसको चेक करो, 30 का रिमेनिंग नोट का चेक करो, देखो ये यही पता चल जाता है, जैसे हम लोग हिसाब गलत कुछ करेंगे ना तो तुरंत पता चल जाएगा, 71,400 दिखा रहा था, अब यहां पे जोड़ो, 30 तारीख का है ना, 30 का, सेवन सिक्सटी नाइन है ना, ये 769 है ना, क्या अमाउंट है ये, देखो ये क्या है, 7 के बाद 69 है, हम लोगों ने 61 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये यही हिसाब गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब देखो हिसाब मिल गया, देखो मतलब आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने हिसाब को कि आपका जो रिपोर्ट आ रहा है और आपका जो ये है वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब ये रिपोर्ट मैच कर जाता है इसका मतलब आपका हिसाब परफेक्ट हो गया। ठीक है, ये यहां का भी, ये रिमेनिंग नोट जो आ रहा है इसका जो आ रहा है 367100 है ना,
और ये अमाउंट वो आपके रिमेनिंग नोट जो आपने स्लिप निकाला उससे मैच कर रहा है, मतलब 30 तारीख का भी हिसाब मिल गया, ये 30 तारीख का भी हिसाब आपका मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब आपका आ रहा है इंपॉर्टेंट 31st का, उसमें आपके को पता चलेगा कि आपका हिसाब जो ज्यादा कम आ रहा था वो क्यों आ रहा था, उसको हम लोग अभी पकड़ेंगे, ठीक है। ये 30th में का भी हो गया हिसाब, हो गया, कहीं को दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलते जाओ बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। अब हम कोई क्वेश्चन रहेगा तो बोलना मेरे को, ठीक है ना। कारण क्या है, अब ये 30 का तो 30th का मेरे को चाहिए, 30th का चाहिए, 29th का नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमको, अब हम लोग जल्दी से खोलने हैं अब इसको लास्ट वाला। अब जो दो चीज हमारा हिसाब जरूरी है 31st का, 31st का हम लोग ये करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 31st का ये यहां पे डाल दें, डेट डाल दें, टोटल टोटल क्या है, डेट हमेशा मेंशन कर देना यार, नहीं तो फिर क्या होगा, ये आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे अपने हिसाब में, ठीक है ना। प्रॉपर कैप्शन हमेशा देना चाहिए, है ना। टोटल कैश इन एटीएम ऑन 31st May 2020, ठीक है। टोटल कैश रिमेनिंग नोट ऑन 31st May 2020, ठीक है। थर्टी फर्स्ट मे ट्वेंटी ट्वेंटी, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना, कौन सा डेट का डालेंगे, 31st का हिसाब निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे इसमें, 31st मे, है ना, नंबर ऑफ डीपी नोट्स माइनस कौन से डेट, किससे माइनस करेंगे, 30th मे वाले से, ठीक है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बताओ 31st का मेरे को, खोल के बताओ मेरे को, ठीक है। 2000 का कितना नोट है, 31st मेरे पास यहाँ पे देखो, मैंने सारा दिया हुआ है, 31st का यहाँ पे है ना रिमेनिंग नोट, ये वाला, कितना है लिखो, 500 का कितना है, 24, 3, 2, 4, 7, 2, 9, 2000 क्या है, 2000 कितना है, 200 कितना है, लिखिए पूरा बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, 3, 2, 4, 7, 3, 2, 4, 7, 649, 649, 160, 160, 160 ना, ठीक है, ये ठीक है, नहीं मेरे को लग रहा है गड़बड़ है कुछ, गड़बड़ नहीं हुआ, चलो अब 30th का बताओ, 30 बताना, 30th ये है ना, ठीक है, लिख लिया, हो गया, 0961 251 251 57, तो आपको 31st को आपके कितना जमा हुआ आपके उसमें एटीएम में, 12,80,900, ठीक है, 12,80,900 आपके यहाँ उस दिन जमा हुआ था आपके एटीएम में,
का मता भी खराब हो गया। तब जाके मैंने उस दिन आपको लिमिट दिलवाई थी। हाँ ठीक है, ये 12,30,80,900 आपका जमा हुआ, लेकिन अब यही पे हिसाब आपका गड़बड़ आपको पता चलेगा। आपको एक्सेस पैसा जो मिला ना, जो आपका हिसाब गड़बड़ आ रहा है, ठीक है, वो आपको यही से पता चलेगा। अभी आप कंपनी का रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रभु जी बोलिए जल्दी से। इंजीनियर आए हुए हैं। बात कराइए सर। हेलो जी सर। हाँ सर बोलिए ना। सर बताएं सर, क्या प्रॉब्लम क्या है इस साइड की? सर यहाँ पे सर मशीन होस्ट ऑफलाइन जा रही है, नेटवर्क का इशू लग रहा है। सर दिक्कत क्या है, आप अमित सर को कनेक्ट करें, समझे ना। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्या होता है ना कि नेटवर्क वाला क्या कहता है, वहां से बैठे बैठे पिंग करके देख लेता है और आप लोगों को परेशान कर देता है। वही तो हो रहा, मैंने दो बार मेल डला चुका हूँ, तो उन्होंने एक बार एक नहीं बार वो नेटवर्क वाले को कह सकते थे ना। नहीं नहीं वो आता है, नेटवर्क वाला आता है, वो एक मशीन लेके आता है, उसे देखता है, चले बैंडविड्थ चेक करता नहीं है। ये बैंडविड्थ का इशू है इनका, इनका नहीं नहीं इनका इशू जो है ना वो बैंडविड्थ का इशू है। ठीक है, आपको मैं अभी बासित सर का नंबर देता हूं, आप बासित सर का नंबर लिखिए जरा। 730348। हाँ बोलिए। 730348। 348 हाँ 7444। अच्छा ये हो सकता है, क्या पता ये चूंकि प्रोजेक्ट्स में है, ठीक है ना। मैं एक और नंबर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उनको फोन दीजिएगा, प्रभु जी को फोन दीजिएगा। हेलो प्रभु जी, हेलो हेलो हाँ प्रभु जी, हेलो अमित सर का नंबर है आपके पास? हाँ है ना। आप अभी अमित सर या नितिन सर दोनों में से किसी को लगाइए, ठीक है। मैं एक मिनट रुके जरा लाइन पे, मैं लेता हूँ, मैं कोशिश करूँ। हेलो हाँ मुर्ताज। अच्छा ये 1288 दिखा रहा है आपका, ठीक है। अब आपको देखो इसमें से आपका पैसा तो कुछ नहीं था उस दिन, ठीक है। ये 1288 दिखा रहा है। अच्छा अब हमारा रिपोर्ट क्या कह रहा है उस दिन का, 31st का रिपोर्ट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। ये 31st का रिपोर्ट निकालो, तो 31st का रिपोर्ट हमारा क्या बता रहा है। हमारा उस दिन दिखा रहा है 12,30,900। क्या दिखा रहा है ये? 12,30,900। ठीक है, 12,30,900 आपका दिखा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कैच कहां से है आपका 12,30,900, ठीक है। तो हमारा एटीएम में टोटल कैश कितना था? 12,80,900, ठीक है। अच्छा कस्टमर कैश डिपॉजिट कितना हो गया? 12,30,900 है,
है ना, 900 है। ठीक है, कितना का डिफरेंस आया? 50,000 का डिफरेंस आया आपका। ठीक है, जबकि उस दिन तो पैसे आपने डाले नहीं थे। पैसे डाले थे? नहीं डाले थे उस दिन तो पैसा, मैं जानता हूँ। पूरा का पूरा पैसा तो कस्टमर का पैसा जमा था उस दिन। उस दिन तो ये पैसा जो है वो एक्सेस पैसा आपके पास खड़ा हो गया। ठीक है, अब इसका पूरा का पूरा हिसाब पहले हम लोग चेक कर ले, उसके बाद फिर मैं आपके निष्कर्ष पे आऊंगा। ठीक है, कैसे आएगा वो मैं डिफरेंस करके पता करता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स एटीएम में दिखाओ जरा, 31st का क्या है आपका? मेरा डिस्पेंस फिगर क्या दिखा रहा है? थर्टी फर्स्ट में ठीक है, ये 31st मई का है। ठीक है, 31st मई का है। ठीक है, लिख लिया आपने ये? नोट कर लिया ना? 13204 213 1 3 500 200 213 96 96 96। ठीक है, कितना है टोटल एटीएम में? 11,200 है। उसको उसको करना नहीं कुछ भाई, वो तो ये करोगे ना फिर गड़बड़ कर दोगे। उसको कुछ मत करना, वो सब हिसाब किया हुआ ना, वो छोड़ दो, उसको कुछ नहीं करना है आपको, वो अपने आप है ना, वो फॉर्मूला दिया हुआ है ना। ठीक है, अच्छा अब इस रिमेनिंग नोट को हम लोग करेंगे अपना, इससे मैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टोटल रिमेनिंग कैश कितना है? दूसरा दिन का निकालो पहले, ये वाला 29th का। ट्वेंटी नाइन्थ वाला बताओ मेरे को जल्दी जल्दी क्या है? 29th का नहीं, 31st, 30th का, 30th का। हाँ, 30th का बताओ। हाँ बताओ, 30th का कितना कितना है? 2,000 कितना है? 2,000 ये तो रहा है 30th यार, छोड़ो। थर्टीएथ का है, 31st का है ना, ये 30th का आ गया। ठीक है, लिखो 769-9147। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इसको मैंने यहां पे लिख दिया। यहाँ पे कहता है 71,400 टोटल कैश डिपॉजिटेड इन द एटीएम कितना हो गया करंट डेट 1,280,900। ठीक है, अच्छा एटीएम में मेरा कैश कितना होना चाहिए था? टोटल रिमेनिंग कैश इक्वल टू दिस माइनस दिस, नहीं नहीं सॉरी,
देश भेजना पड़ेगा। अच्छा डिस्पेंस तो निकाला नहीं हमको ना यार। हाँ अभी डिस्पेंस निकालने तो पहले। अच्छा अब डिस्पेंस देखो जरा, ठीक है। ये हमको लिखना है ना पहले, तब ना हिसाब मिलेगा। डिस्पेंस से माइनस करना है ना हमको, हम लोग तो डिपॉजिट से माइनस कर रहे हैं। ये आपका ये हो गया 31st May, ये हो जाएगा 29th, May, ठीक है। अब मेरे को जल्दी जल्दी 31 वाले से देख के बताओ, ये 31st का अपने मेरे पास है, ये 31st, ये 30th का है, 31 का, हाँ, 31 का है ना, लिखो बताओ जल्दी जल्दी लिखो। 18 लिख लिया, बताओ। 1520 6 2 6 6 1 8 7 1 8 7 7, ठीक है। अच्छा अब 30th का चाहिए, ये 30th का आ गया यहाँ पे, ठीक है लिखो। 1213 350 113 ठीक है बोलो। 1231 1231 350 1 1 3 1 3, ठीक है। अच्छा टोटल कैश कितना डिस्पेंस हुआ, 24110। इसको अपना मैच कर लिया हम लोग कंपनी के, इससे ये गलती है हिसाब, फिर से देखो जरा हिसाब में कहीं गड़बड़ कुछ हो। One two one three three five zero one double three, ठीक है ये तो सही है। अच्छा फिर इसका मिलाओ, 31st का मिलाओ, one five two zero 18। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वन फाइव टू जीरो 18 626 187 18 1520 626 187, ठीक है। ये हिसाब तो बिल्कुल सही है यार, कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं है। Thank you.
अच्छा उस दिन अपना एटीएम में देखो क्या दिखा रहा था अमाउंट अपना एटीएम में नहीं नहीं ऑफिस में नहीं, आपको तो ज्यादा पैसा मिला ना, आपको 9,000 रुपया ज्यादा निकल गया ठीक है, क्योंकि वो वहां पे सक्सेसफुल हो गया लेकिन वो पैसा आपके एटीएम में ही रह गया। हाँ तो ज्यादा पैसा, वही तो चीज लेजर मेंटेन करने के वक्त ही पता चलता है ना ये चीज। कई बार ऐसा होता है कि कैश एटीएम में रह जाए, अभी देखो अभी आपका एटीएम में कैश भी मिसमैच करेगा, रुक जाओ मैं करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जरा, अभी अभी एटीएम मैं इसी के कारण तो हिसाब लेके बैठा था, मैं बार बार बोल रहा था आपको कि अभी हम 31st पे पहुंच रहे हो ना, आपको सारा हिसाब आपका पता चल जाएगा कि आप कहाँ गड़बड़ हो रहा है। अपना एटीएम में दिखा रहा है ठीक है, और ये एज पर फिजिकल एंट्री जो है आपकी वो कम है, क्यों कि फिजिकल एंट्री जो है यहीं पे आपके पास एक्सेस कैश आ गया, ये एक्सेस कैश आया ना, आपको मिलना चाहिए था, आपको पैसे मिलने कितने चाहिए थे, ये फिगर के हिसाब से आपको मिलना चाहिए था 2,41,100, क्योंकि ये एक्चुअल आपका डिस्पेंस दिखा रहा है ठीक है ना। अब एक बार मैं एक बार फिर से नोट्स को मिला लूं 31st का, अब ये जब आप लेजर मेंटेन करते हो ना तो ये अब ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा ये पैसा जो ज्यादा हुआ पैसे आपके पास, तो अगर आप लेजर नहीं मेंटेन करोगे तो पता नहीं चलेगा आपको ठीक है। अब अभी अभी रुक जाओ, पूरा हिसाब अभी कैलकुलेट करने दो मेरे को, पूरा बताता हूँ मैं, अभी रुक जाओ, अभी कैसे पूरा पता चल रहा है रिमेनिंग कैश ना, अभी एक्चुअल कैश आपके पास कितना का डिफरेंस आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है। अब यहाँ पे ये टोटल रिमेनिंग कैश कितना आना चाहिए था, दिस अमाउंट माइनस टोटल अमाउंट माइनस डिपोजिटेड अमाउंट ठीक है, कितना आया यहाँ पे 11,200, और यहाँ पे कितना आया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, भाई आप कुछ भी पैसे इधर उधर करोगे ना तो मेरे को मेरा हिसाब पकड़ के बता देगा मेरे को, हाँ वो हिसाब ऐसा है ना, ये पूरा का पूरा बता देगा आपका, हाँ ये हिसाब जो ऐसा है ना, मैंने जो बताया ना 9,000 रुपये आपका निकला हुआ है इसमें से है ना, हाँ 9,000 रुपये है पता चल गया, ये ज्यादा पैसे आपके एटीएम में है ठीक है, आपके पास रहने चाहिए थे टोटल, मतलब यानी कि आपके एटीएम में कितने हैं, 1,10,000 होना चाहिए था, जबकि आपके पास एटीएम में आपका एज पर रिपोर्ट कितना मिल गया आपको, 1,11,000 मिल गया, कंपनी के रिपोर्ट में आपको 9,000 रुपये ज्यादा मिल गया, जबकि एटीएम में कैश आपका कम मतलब ये है ठीक है ना, लेकिन आपको पेमेंट ज्यादा हो गया ठीक है ना, क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि आपका डिस्पेंस अमाउंट ये था कम था, आपको जो पेमेंट हुआ वो कभी कभी होता क्या है ना, मतलब ये अब इसमें कैसे डिस्पेंस अमाउंट कम है और आपको पैसे ज्यादा मिल गए आपको कैसे, हम लोग अभी 12:31 नहीं जो, जो अच्छा ये गलती नहीं, नहीं ज्यादा नहीं मिला है यार, ये 12:12:13 है ना, ये
देखो मैं यार थोड़ा सा गड़बड़ करोगे सब चीज गड़बड़ हो जाएगी डार्लिंग। मैच कर गया सारा हिसाब अब। वो 1-2, 1-3 था, 1-2, 3-1 किया हुआ था हम लोगों ने, ठीक है। आपका हिसाब मैच कर गया पूरा। एटीएम में कैश 1,10,000 11,00,000 ये होना चाहिए था, ये मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ठीक है। अब यहां पे आपका डिफरेंस आ गया 50,000 का। अब इसमें जो 50,000 था, ये 50,000 तो आपने डाला नहीं। अब इसको आप अपना चेक करो, मिलाओ आपको ये जो पैसा आपने दो बार मैंने पैसा निकाल के दिया, 30 तारीख का 1,20,000 डाला आपने। अब आप वो वास्तव में देखो कि आपने उसका डाला है तो उसका डिपॉजिट कार्ड देखो, वो आपके पास डिपॉजिट वो है कि नहीं, स्लिप है कि नहीं है, आपको अपना हिसाब मैच कर जाएगा, ठीक है। ये अब समझ में आ गया कैसे हिसाब देखते हैं। अब आप इसी तरह से पूरा हिसाब आगे तक पूरा लेके जाओ, पूरा एक महीने का, ठीक है। मैंने अब आपको तरीका बता दिया, अब इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया कैसे पता चलता है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, समझ में आ गया ना। ये पूरा पूरा हिसाब कैसे आपको अपने जो कंपनी का जो के हिसाब से रिमेनिंग नोट आ रहा है और जो आपका ये नोट है वो दोनों मैच करना चाहिए। डिस्पेंस कैसे निकालेंगे वो मैंने बता दिया, डिपॉजिट कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये हिसाब आप डेली के डेली बेसिस में करते जाओगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कर दिया, 3 दिन का कर दिया मैंने, है ना, ये देखो मैंने आपको 3 दिन का कर दिया, वैसे आप आगे बढ़ाते चले जाओ इसको। अब 1 तारीख सारा वो स्लिप आपने स्लिप मेरे को भेजा ही है, आपके पास सारा स्लिप होगा क्या सगरुल? आपके पास सारा स्लिप है ना? हाँ, तो जो स्लिप देखोगे वो रात वाला सबसे अंतिम वाला स्लिप देखोगे, दिन वाला नहीं देखोगे कोई, ठीक है। जो भी सबसे वो डेली का जो आप मेरे को रात वाला स्लिप दे रहे थे ना, उसके साथ हिसाब मिलाओगे आप, ठीक है। अब आपको देखो मैंने यहाँ पे आपको 3 दिन का मैंने आपका लेजर बना दिया है, आपको 3 दिन के लेजर में आपको 1,20,000 प्लस 1,70,000 रुपए मैंने फाइंड आउट करके बताया। अब 1,70,000 में से आपने कितने पैसे अपने डाले, कितने पैसे क्या किए वो आप देख लो। ये 31 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख ये 3 दिन का मैंने लेजर बना के दे दिया आपको, ठीक है। अब इसको आप आगे कंटिन्यूटी में करो, ये आप हमेशा अगर करते हो तो आपका हिसाब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए। ये आपको हर बार करना है, समझ गए। और कुछ मैं से पूछना चाहते हो तो बताओ मेरे को। अभी सर समझ आ गया, तो आप करूंगा, ठीक है ना। आप देखो आपको केवल ये स्लिप आपको अच्छा जो आप जो हिसाब मिलाओगे वो जो दुकान जब बढ़ा रहे थे लास्ट में, है ना, मतलब 8 बजे या 9 बजे मेरे को जो स्लिप आपने भेजा है, ठीक है, जिसमें कि डीईपी और सीडब्ल्यूडी है, उसका जब भी आपको अगर डिपॉजिट निकालना है तो जिस डेट का निकालना चाहते हो डिपॉजिट उस डेट में से एक दिन पहले का, मतलब अगर 1 तारीख का निकाल रहे हो तो 31st में से माइनस करोगे, अगर 2 तारीख निकाल रहे हो तो 2 तारीख वाले डीईपी से 1st वाले डेट के साथ माइनस करोगे तो आपका हिसाब मिलता जाएगा, ठीक है। और आप इसको लेके अपने हिसाब 19 तारीख तक पहुंचो, आपको पूरा हिसाब अपना मिल जाएगा और ये डेली बेसिस में आपको मेंटेन करना है आगे से, ठीक है। मुर्तज को दिखाओ, मुर्तज समझ में आ गया, पता चला पैसा कहाँ जाता है। हाँ, तो आप इसको हमेशा डेली बेसिस पे मेंटेन करो, आपको आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, आप लोग जब तक आप ये मेंटेन नहीं कर देते हो, चाहे रजिस्टर में मेंटेन करो। मैंने भले ही आपको ये लेजर ये दिखाया जो, ठीक है, मैं जो आपको दिखा रहा हूं, भले ही आप उसको कोई जरूरी नहीं कि आप उसको इसमें करो, ठीक है, आप कोई जरूरी नहीं कि एक्सेल फाइल में करो, आप इस चीज को आप अपने रजिस्टर में भी मेंटेन करके कर सकते हो। ये जो मैंने जैसे लिखा है आपको, ठीक है, आप इसको अपने रजिस्टर में भी मेंटेन करके लिख सकते हो पूरा, लेकिन ये डेली बेसिस में ये होना चाहिए कि आपका
क्या दीदी रात में वो जॉब? हाँ सो नहीं, मतलब आप खाना भले ही भूल जाओ लेकिन इसको मत भूलना। हाँ खाना खाना भूल जाना ठीक है, वो चलेगा, लेकिन उसको लिखना मत भूलना ठीक है ना। और इसको अगर लिखना भूल गए तो फिर मुझको मत बोलना कि सर मेरा ये पैसा कहाँ चला गया, मुझे बता दीजिए। हाँ क्योंकि देखो कई बार क्या होता है एटीएम में, क्या होता है आपका कस्टमर का पैसा, मान लो वो पैसे गिन के मतलब बिन पे आके वो लौट जाता है, कस्टमर को वापस नहीं मिलता है, तो वो आपके आपके एटीएम में ही वो कैश रह जाता है ठीक है, तो वो और उसका सेटलमेंट भी मिल जाता है और तो आपके पास एक्सेस कैश खड़ा हो जाएगा ना। अभी आपके पास जो ये डिपॉजिट वाला कैश जो 50,000 आ रहा है, 1,20,000 आ रहा है, हो सकता है कि आपने पैसे नहीं डाले हुए, वो आपका एक्सेस कैश हो। नहीं नहीं जो ट्रांजेक्शन कम्प्लीट ही नहीं हुआ तो उसको रिसिप्ट कैसे मिलेगा? देखो आप लोग पहले एक चीज जान जाओ, मैंने तो क्या किया हुआ है कि आपका ये छोड़ दो, मैंने मेरा वेबसाइट जो है इसमें आप हमेशा देखो मैंने सारे चीजों का बनाया हुआ है ठीक है, ये अपना atm.com जो है अपना, ये आपने अगर कैश रिक्वेस्ट जब भी ज्यादा होता है तो कैश रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट आप कर लेते हो ठीक है, तो इसमें ये देखो ये अगर जब नोट ज्यादा हो जा रहे हैं ठीक है ना, तो आपने ये कैश रिक्वेस्ट आप डालते हो कि नहीं डालते हो यहाँ पे, ये देखो रिक्वेस्ट फॉर कैश रिक्वेस्ट ठीक है। तो हेलो ये भर देते हो आप ठीक है, तो वो फिर इंजीनियर आपका आएगा आपका कैश एलोकेशन के लिए। उसी तरह से अगर SBI का फेलियर हो रहा है तो यहाँ पे आप जाओगे अपना atm.com, आप वेबसाइट याद रखो ATM पेमेंट विड्रॉल फेलियर कंप्लेन ठीक है, इसमें SBI का जो फॉर्म है ये देखो, इसमें आप ये करो क्लिक करो इसको, तो इसमें आएगा SBI वाला जो फॉर्म होगा उसको भर दोगे आप। हर एक बैंक का डाला हुआ मैंने, लगभग हर एक बैंक का मैंने डाला हुआ है इसमें ठीक है ना, आप इसको फॉर्म भर दोगे तो वो देखो लेट SBI थोड़ा लेट करता है ठीक है, लेकिन तब भी व्यवस्था धीरे धीरे करके सुधर रही है, बाकी बैंक जल्दी दे देते हैं, SBI थोड़ा लेट करता है उसमें ठीक है ना, तो लेकिन ये फॉर्म आप जाके भर दिया करो इसमें जो आपका ना ATM पेमेंट विड्रॉवल फेलियर कंप्लेन, इसको इसको क्लिक करो, ये देखो स्टेट बैंक है, ये स्टेट बैंक का, आप इसको खोल के जिस बैंक का पैसा है फंसा हुआ उसी बैंक को क्लिक करके आप उसका फॉर्म भर दोगे ठीक है। यूको बैंक का है तो यूको बैंक का है, बैंक ऑफ इंडिया का है तो बैंक ऑफ इंडिया का है, कैनरा बैंक का है तो कैनरा बैंक का है, मतलब जिस बैंक का इशू आया उस बैंक का फॉर्म भर देना ठीक है। हाँ कैश इवैक्यूएशन के लिए यहाँ पे जाके देखो, जब भी आपका 200 से ज्यादा नोट होता है इस फॉर्म को जाके भर दिया करो रिक्वेस्ट फॉर कैश इवैक्यूएशन ठीक है। उसके बाद ये आपका आपको फिर पेपर रोल का, ये देखो रिक्वेस्ट फॉर पेपर रोल नहीं आया ना आपका अभी तक? मिला नहीं सर पेपर रोल। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको फॉलोअप कर लेता हूँ ठीक है, समझ में आ गया सारी चीज। चलो और कुछ तो नहीं, चलो धन्यवाद।